दिवाली मनाने को लेकर दिल्ली सरकार की पहल को लोगों का समर्थन मिला। नॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में दिवाली के मौके पर लेजर शो देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सेंट्रल पार्क में दाखिल होने के लिए लंबी लंबी कतार में लोग खड़े दिखाई दिए। लेजर शो के साथ साथ सेंट्रल पार्क में इंडिया एसोसिएशन बैंड ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी, जिसका लोगों ने जमकर मजा लिया। लोगों ने दिल्ली सरकार के इस कदम को प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने के लिए बेहतर कदम बताया। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एंड पर्सनली मैं केजरीवाल जी की काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पे ये देखने के लिए एंड इट्स टोटली ऑसम। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया एंड थैंक यू सो मच केजरीवाल। प्रोग्राम अच्छा है, अच्छी लाइटिंग्स है, लेकिन और एक्साइटिंग होना चाहिए था, और एक्साइटिंग हो सकता था। एक सोशल गैदरिंग है, एक लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक फेस्टिवल पे, अच्छा है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बेकार पड़े बोरवेल में गिरे 3 साल के सुजीत विल्सन नाम के एक बच्चे को बचाने का काम पिछले 4 दिन से जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के विशेषज्ञों की टीम भी बच्चे के बचाव में काम में लगी हुई है और बोरवेल से बच्चे को निकालने की कोशिश भी जारी है। बच्चे को निकालने के लिए दमकल की टीम बोरवेल से सटाकर एक गड्ढा बनाकर बचाव की कोशिश कर रही है। बच्चे को बोरवेल में सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए गए हैं। उधर बच्चे की सलामती के लिए लोग दुआ कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी तमिलनाडु में बोरवेल में फंसे बच्चे के लिए प्रार्थना की। जानवरों की तस्करी की निगरानी करने वाले वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली यूनिट में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नेवले के बाल से बने ब्रश की तस्करी करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक छापेमारी के बाद नेवले के बालों से बने ब्रश की तस्करी करने के आरोप में 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों से 54,000 ब्रश और 113 किलो नेवले के बाल बरामद किए गए हैं। बताया गया कि इन लोगों से बरामद ब्रश और नेवले के बालों की कीमत 7 करोड़ रुपए है। दिवाली के त्यौहार पर पेंट करने के लिए नेवले के बालों से बने ब्रश की काफी डिमांड होती है और नेवलों को मारकर ब्रश बनाने की जानकारी मिलने के बाद 5 राज्यों में छापेमारी की गई। भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में दिवाली मनाई गई। दुबई में तो अलग अंदाज में दिवाली मनाई गई। वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी में नहाई हुई नजर आई। दिवाली के मौके पर दुबई फाउंडेशन भी रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर दिखाई दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने इस जश्न का एक वीडियो कर अमेरिका में रह रहे हिंदुओं, जैन, सिखों और बौद्ध धर्म के लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि दिवाली मनाई जा रही है, मैं और मेलानिया रोशनी का त्यौहार मनाने वालों को शुभकामनाएं देते हैं। As we light the dia here today, we know that our nation is strengthened by the sacred traditions that bind people together across our land. May this light bring hope to all, and may everyone have a wonderful Diwali. तेलंगाना के हैदराबाद में एक टायर गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। टायर गोदाम से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखी। इस दौरान काला धुआं काफी दूर से भी देखा जा सकता था। आग की वजह से चारों तरफ के मकानों में काला धुआं भर गया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल आग पर काबू पाने में जुट गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। लंदन में पाकिस्तान समर्थकों को भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली थी, जिसके विरोध में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निवास के पास प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी पुलिस ने उन्हें हटा दिया। पाकिस्तान के हाई कमीशन ने इन लोगों को इकट्ठा किया है, यहाँ से इजाजत ज्यादा से ज्यादा पीछे
ट्रफेलगर स्क्वायर तक मिलेगी, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोक दिया जाएगा, ये बात निश्चित है। उसके पीछे जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर जाने की इजाज़त इन लोगों को नहीं मिलेगी। दिवाली के मौके पर पाकिस्तानी समर्थक भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीर फ्री मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन भारत ने ब्रिटिश सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद ब्रिटेन ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का भारत को भरोसा दिया था। जम्मू कश्मीर